रहा है इनका ऑरेंज, काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। स्ट्रीट पे हर जगह आपको ये मिलेगा। जैसे ये भाई साहब सेल कर रहे हैं, सेल करने का तरीका ये देखिए, जैसे इन्होंने काटा, अगर आपको इसको चार भाग में करना आपको काट के दे देंगे। बेसिकली ये एक अगर आप लेते हो तो 150 फ्रैंक का एक है, बट 1000 फ्रैंक में 7 ये संतरे आपको मिल जाएंगे, जो कि अच्छी डील है अगर आप खरीदना चाहोगे। बाकी इसको हम खाते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं। बाकी मिल रहा है, काफी जूसी है यार। वैसे भी आज हमने लंच लिया नहीं था, तो हमारा आज लंच यही हो रहा है। सो ये रहा यार इनका कुछ अफ्रीकन ट्रेडिशनल गेम। अब हम तो खेल नहीं सकते क्योंकि अपने को आता नहीं है, बट काफ़ी लोग इसको अगर आप देखोगे तो ये लोग खेलते हैं। जनाब, लेट्स गो एंड प्ले। सो हाउ टू प्ले, फर्स्ट यू हैव टू गिव मी ट्रेनिंग। आई डोंट नो हाउ टू प्ले, बट ही सेड यू हैव टू पुट ऑल द देयर लास्ट वन, या एवरीथिंग। इफ आई अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके, द फर्स्ट पर्सन टू किल ऑल द बॉक्सेस हैज वन द गेम। ओके, हु विल फिल? I think it is going to take a whole of life. क्यों गाइस, क्या कहते हो? अगर इसको हम फिल करने बैठे तो पूरा आई थिंक आज दिन निकल जाएगा हमारा। So ये रहा यार हमारी गोटियाँ, इस गोटियों को हम यहाँ पे रख रहे हैं। So he was saying that in some places you have to fill five seats in each box. Okay. So when if I fill and then I go above, I come to your side means I've won. So here let's do 3 seats per box. So how much we have to three. Fill? 3. Yes. Oh my god, you're filling fast. Oh. I've come to yours, I've won. Oh, it's like that. Yes. But it's an easy game. I don't know, that's what I honestly. No, I don't think guys ki ye aisa kuch hoga. ऐसा होगा या तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो तो फटैक से भर लेगा, हम रह जाएंगे खेले यार, ये चीटिंग है। इन सेंट्रल पोस्ट एंड हियर वी हैव मीट वन ऑन विद सेलिंग फिश, दिस इज फिश, इट्स कमिंग फ्रॉम वन ऑफ आवर सी which we call Nyong, yes, in Cameroon. So mama is going to get from there. Okay. she's going to get food there. Uh-huh. And yeah, we also porky have pig. Porky pig in like bish. This is bish, beef, yes, bish. What is bish? Like antelope. Oh, this is antelope. Yes. Okay. Like antelope. Si, c'est le poulet élevé par nos frères. Okay. Poulet. This is chicken. Chicken. Yes. Normal chicken made yes. with all the spices. Yes. Like and potato is also there, huh? Yes. This one. Yes. It's okay. Potato. Okay. Si, c'est le manioc. Cassava. 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 Yes. This is full or just boiled cassava. Yes. All the boil, huh? Yes. Okay. Cassava, no. Si, c'est le plantain pilé. Uh-huh. It's plantain. Plantain. But mashed yes. one. Yes. Mashed yes. one. Okay. No. Mm-hmm. We call it yesanga. Yesanga. Yes. Yesanga. It's mélange légumes, maïs. It's et aubergine. Okay. Uh-huh. And it's a mix of I think beans. No. Maïs. Maïs. Légumes. Yeah. Corn. Et aubergine. With some legume. Okay. Yes. And tomato. No, tomato. Aubergine. Aubergine. And sugar. ये है इनका मेन सीबीडी एरिया, सेंट्रल बिजनेस पोस्ट का मिनिस्ट्री एरिया। पीछे ये सारे ऑफिसेज हैं, आप देखोगे उसी ऑफिसेज के पीछे, जैसे यार इलाहाबाद से मैं हूँ यानी यूपी प्रयागराज से, तो वहाँ पे जैसे कचहरी कोर्ट का एरिया होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल पहल होती है, क्योंकि ऑफिस में काम करने वाले लोग केस को लिए जो आते हैं यार वहाँ पे, वो सब कहीं ना कहीं विजिट करने आते हैं, तो रश आर्स काफ़ी ज़्यादा होता है और लोकल लोग वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। उसी टाइप का एक तरह का ये प्लेस है, माहौल जहाँ पे काफ़ी ढेर सारे आपको ऑफिस मिलेंगे और प्रिंटर, लैपटॉप और पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें अगर आपको काम करवाना है यानी फाइल प्रिंटिंग करानी है और आपको टाइप वगैरह कराना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। का नाम है बनसोया। बनसोया कहने का मतलब ये कि ये जो लंबा वाला ब्रेड होता है, ये लंबे वाले ब्रेड को ये फाड़ा इन्होंने
उसके बाद ये जो पेटीज आपको दिख रहे हैं ये है बीफ रोस्टेड वन, ये छोटे छोटे इसमें प्याज वगैरह उन्होंने लगाया हुआ और ये भी है, और साथ में थोड़ा सा कैबेज प्याज सलाद, और ये डालेंगे इसमें कुछ सॉसेस, ये गया कुछ इनका अलग से सॉस, अब सॉस है विनेगर है क्या क्या डालना है कुछ पता नहीं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इट्स लाइक पेपर, पेपर, दिस इज ऑयल, यस दिस इज ऑयल, ऑयल आल्सो, भाई ऑयल तो उन्होंने ऊपर से डाल दिया, और लास्ट में जाएगा मेयोनीज, दिस इज मेयोनीज, यस मेयोनीज। Many people are eating this. Okay. अब इसको ये करेंगे भाई साहब रैप, ये गया, और ओके गिव मी ब्रो। सो ये रहा अपना फर्स्ट बाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं खाऊंगा, तो मैं नहीं खाऊंगा यार, मैं इसको इन्हें ही गिफ्ट करने वाला हूँ, यानी जिनकी शॉप है उन्हीं से खरीदा और वापस उन्हीं को मैं गिफ्ट करूंगा ताकि वो खाएं। हाउ मच द कॉस्ट ब्रो? 200 दिस वन, 200, yes. 200 फ्रैंक, तो ये है इतना बड़ा ब्रेड, 200 फ्रैंक, मतलब आप खा लो तो लंच, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट या डिनर पूरा का पूरा आपका पेट भर जाएगा। मोस्टली लोकल लोग ये काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। मासे, मासे, यस। तो गाइज ये रहा इनका लोकल स्ट्रीट फूड मासे, एक तरह से वही जो अपने यहाँ इडली हम बोलते हैं वो है, बट ये चावल का बना हुआ डोनट टाइप का आप इसको बोल सकते हो। खाने में स्वीट है या सॉल्टी है ये तो खाने के बाद पता चलेगा। 50 फ्रैंक में एक पीस आपको मिलेगा। और ये बना कैसे रही मामा, ये देखिए, ये रहा इनका सिकड़ी, और सिकड़ी के ऊपर ये इन्होंने रखा है कोयला, कोयले के ऊपर ये है इनका साचा, और इस साचे में थोड़ा सा वो डाल रही है तेल, कोकोनट और नॉर्मल ऑयल, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल के फिर इसको ये इसमें बैटर डाल रहे हैं, और बैटर डाल के इसको पलट दे रहे हैं, वही जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है लोकल तरीका उसी तरीके से बना रहे हैं। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा इसका टेस्ट होता है। स्वीट रियली, ओके ओके नाइस, ये देखते हैं। नाइस, बट लिटिल बिटरी, व्हाई लिटिल, हां बट गुड, ये बट डिवर डिनर ऑफ डिवर डिवर ओवर दिस, यस वेम ब्लॉक ले पालमिस। सो गाइस ये रहा अपना बनाना, एक दो चार बनाना है, यानी चार केला, और ये रहा चार केला, और ने को 200 फ्रैंक, फिर भी सस्ता ही है, और जगह पे यही अगर मैं लेने जाता तो काफ़ी महंगा मिलता। ये रहा इनका लोकल ड्रिंक फोलेरे, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रेड विद एग्स एंड व्हाट वी कॉल हियर सोसिसन, ओके, इट्स अ ब्रेड एग एंड सॉसेस, यस एंड सॉसेस एंड सम मेयोनीज, यस एंड सम, हाउ मच इज द कॉस्ट, इज द कॉस्ट इज 300 आई मीन 200 फ्रैंक, 300 फ्रैंक में लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर जो भी आपको करना है, इस तरह का ब्रेड और उसमें इस तरह की चीज़ें जो भी आपको चाहिए आप स्पेसिफिक उनको समझाइए और आपको मिल जाए। तो यार देखते हैं ये क्या है, मैं बीता पापड़ जैसा कुछ होता ना वो है, टेस्ट तो कर लिया, जिंजर, ओके ओके, जिंजर टेस्ट पहले करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, नाइस वेरी नाइस। अस्सलामुअलैकुम यार, काढ़ा जैसा होता है ना यहाँ पे वो लगता है, सेम वैसा ही फील आ रहा है। अब लोकल प्लेस पे आप ये देखिए, लोकल प्लेस पे हम लोग बैठ के सब लोग ट्रेडिशनल तरीके में इस कैमरून में जो याउंडे इनका कैपिटल है वहाँ पे हम चाय पी रहे हैं।